सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधी के शरणय त्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। नवरात्र चालू हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपने पिछले वीक का मेरा जो वीकली राशिफल है वो सुना होगा, उसमें से कुछ उपाय भी किए होंगे और उनसे आपको बेनिफिट भी मिला होगा। आने वाले वीक में आने वाला वीक जो है डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए आने वाले सप्ताह को अच्छा बनाने में, इसके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ्रतन है पन्ना, शुभ रुद्राक्ष है चार मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। सफलता आसानी से प्राप्त होगी। व्यापार में भी नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। रुके हुए कार्यों को गति भी मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के भी सप्ताह आपको आसार है। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह करियर के हिसाब से अच्छा समय रहेगा। छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, एकाग्रता बनाए रखना है। यदि आप मैरिड हैं तो इस सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। प्यार का इजहार करने के लिए भी सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। विवाहितों के लिए नए रिश्ते भी आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। घर वालों में से आपका सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की आशंका रहेगी। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि सुबह की मॉर्निंग की तीसरी रोटी कौए के नाम की जरूर निकालें और कौए को जाने से पहले रास्ते में जरूर खिलाएं। पक्षियों को डेली दाना डालें। बंदरों को गुड़ का दान करें। शाकाहारी बने। मांस मदिरा से आपको दूर रहना है। सोने चांदी के आभूषणों को धारण करना अच्छा रहेगा। यदि आप गाय को हरी घास या पालक खिलाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हरे रंग की वस्तुएं जैसे मूंग की दाल, चूड़ियां, माता, अभी तो माता के दिन भी चल रहे हैं तो माता को यदि आप दुर्गा को आप हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियां और पूरे श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं तो आपके आने वाले सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में ये उपाय मददगार साबित होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप सारे उपाय जो डिफरेंट राशियों के लिए मैंने बताए हैं यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखने की है कि आपको बुजुर्गों को सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, जो नीडी हैं उनकी हेल्प करना, अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाना और हमेशा अच्छे कार्य करना जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जहाँ तक संभव हो सके अपना जो कर्म और धर्म है वो पूजा पाठ और मन जो है आपको हमेशा दूसरों की सेवा में समर्पित करना हमेशा शुभकारी रहेगा। क्योंकि जैसे माता दुर्गा का इस समय नवरात्र चल रहे हैं तो यदि आप डेली दुर्गा जी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं क्लीम चामुंडाय विचे का 108 बार यदि पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पर जाप करते हैं, यदि आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का जाप करते हैं, यदि पूरे ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आपको कवच और कीला का इनका यदि आप रोजाना शुरू के 3 अध्याय का आप जाप करते हैं तो आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में ये उपाय आपके लिए मददगार साबित होंगे। इन्हीं आशा के साथ कि माँ दुर्गा की कृपा आप सभी लोगों पर, सभी जातकों पर, सभी राशियों पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।